चर्चा करना चाहते हैं ये कास्ट है हम लोग क्यों डर रहे हैं और मुझे ही लगता है डर का कारण यह है सर कि जो मैंने डाटा कलेक्ट किया सर उस हिसाब से एग्जोबिशन कोटा लगभग पचहत्तर परसेंट बढ़ जाएगा मैंने मेरी जानकारी में 2011 का सर्वे जो हुआ था उस हिसाब से जनरल कैटेगरी तो कुल पच्चीस परसेंट है उसमें भी नौ परसेंट मुस्लिम्स जनरल कैटेगरी के आते हैं तो हम तो सोलह परसेंट है तो हमारी आवाज तो दूर तक कैसे जाएगी जबकि उसमें भी दस परसेंट ही जागरूक रहेंगे तो सर मेरा ये कहना था कि हम लोग तो जनरल कैटेगरी वाले हर तरह से कंप्रोमाइज करने को तैयार हमें तो जागरूकता जो लानी है वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर लानी जो कि हम समझते हैं पचहत्तर है। परसेंट उसमें हमारा आकलन ये है कि लगभग साहब तीस परसेंट जो है क्रीमी लेयर भी है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पचास परसेंट जो एजुकेशन का फायदा मिलना चाहिए वास्तविक लोगों को वो उन तीस परसेंट के पास चला जाता है जिनका नेतृत्व तो वो कर रहे हैं और बड़ा हल्ला मचाते हैं कि साहब क्रीमी लेयर को ना हटाया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे भले ही सोलह परसेंट जनरल कैटेगरी के हों या पच्चीस परसेंट ही हों अगर हम इन पचास लोगों को अपने साथ रख पचास प्रतिशत लोगों को जो कोटे के हैं और ई कैटेगरी के हैं जिसमें क्रीमी क्रीमी लेयर नहीं है तो उनका अगर हम साथ लेके चलेंगे तो कम से कम क्रीमी लेयर का जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो वो कम से कम सोच वो रखेंगे जो हम लोग सोचते हैं जो दर्द हमारा है मेरी सोच सर यह है कि जो आरक्षित वर्ग है चाहे ओबीसी हो चाहे एस हो एस हो उसमें भी हीरे हैं और मोदी जी उन्हीं में से निकले हुए हैं मेरा इसमें विचार सर ये है कि आ, ये सेंसस का सेंसस ऑनलाइन होना चाहिए और जो आपका आधार कार्ड है उससे आप लॉगिन करिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ आ जाएगा मतलब ये है कि डाटा की जिम्मेदारी आपकी होगी अगर आप डाटा गलत भरेंगे कि हमारे हमारे कितने हैं, कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है हमारी अर्निंग क्या, क्या है गलत भरोगे तो आपको किसी तरह का भी बेनिफिट जो सरकार देती है नहीं देगी इसका कड़ाई से पालन करना होगा और जो घर जगह जाके जो सेंसस आप करते हैं ना और कोई चेक करता नहीं है कि डुप्लीकेट आधार कार्ड है नहीं है गलत है या वो कह देगा साहब है ही नहीं जाएगा नहीं फर्जी आंकड़े हैं ना तो हमारा कि फ्री ऑफ कॉस्ट कास्ट सेंसस एक साल में तो पूरा निश्चित रूप से हो जाएगा आप कहिए तीन महीने में करना है नोटिस देते रहिए उसके बाद कहिए कि हम आपको वोटिंग राइट भी नहीं देंगे भाई ये कोई तरीका थोड़ी होता है अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो तो मेरा कहना यह है कि सर उसमें पैन नंबर भी आप भर देंगे तो आप खुद चेक कर लेंगे कि इसके असर हैं कितने आई टी आर कितना बढ़ रहा है आपने जो बात कही है वो तो हम बाद में पकड़ेंगे और कितने लोग सच में क्रीमी लेयर है और क्रीमी लेयर को जनरल की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाए और कब तक ना रखा जाए इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है चीजें तो बहुत आसान है और मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें मोदी जी को एग्री कर जाना चाहिए कि नहीं चलिए ठीक है हम कराते हैं आप हल्ला मचा रहे हो ना है करा देते हैं भाई पचास की जगह पचहत्तर होंगे मगर आपको ये तो समझाना पड़ेगा कि वह तीस परसेंट जो क्रीमी लेयर है घटा दीजिए फिर पचास रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कर इंटरवीन करे इसमें किसी ना किसी को तो इंटरवीन करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो ऐसे ही सताते सताते कोई सोल्यूशन कभी निकलेगा मेरे विचार तो से ओवर टू हैं साहब आप हमारे विचार से सहमत हो तो कुछ जी सर ये मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ ये बहुत ही डस्टिक आइडिया है और इस आए, इस जो आपका विचार है ये क्रांति ला सकता है और हम जो अब अगला सेशन करें इस पर ही चर्चा करें और इसको जितने भी माध्यम हैं उस पर इसको हम प्रोपोगेट करें और हम ये कहें कि हम कास्ट सेंस चाहते हैं और हमारा ये तरीका अडोप्ट करिए ये तीन महीने से छह महीने के अंदर डेटा आ जाएंगे और इसमें किसी प्रकार पे सरकार पे बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और कोई व्यक्ति ये भी नहीं कह पाएगा कि हमारा डेटा छूट गया इसमें और निश्चित रूप से ये समय अब आ गया है कि या तो प्राइम मिनिस्टर ओबीसी का बनेगा या एस सी का बनेगा जनरल का तो प्राइम मिनिस्टर इस देश में बनने वाला नहीं तो इसके बारे में आप अपना कुछ विचार रखें सर सक्सेना साहब देखिए जो ये मुद्दा है ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मेरा जो इसमें मत है पूर्णता अब समय आ गया है कि परिभाषित हो कि पिछड़ा कौन है और एस सी कौन है हमने एक परिभाषा पचहत्तर साल पहले अडॉप्ट की थी क्या वो समय के साथ चेंज मांगती है या नहीं मांगती है सबसे पहले तो यह कि कौन व्यक्ति पिछड़ा है और कौन व्यक्ति एस सी एस टी कैटेगरी में किस आधार पर आप कह रहे हैं जाति के आधार पर आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर दूसरा हमारा ये कहना है कि अब जब सर्वे की बात हो रही है तो मैं कहता हूं अब सर्वे पूरा होना चाहिए आधा अधूरा सर्वे से काम नहीं चलेगा सर्वे ये होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना टैक्स दे रहा है किस व्यक्ति के पास कितनी गाड़ी है किस व्यक्ति के पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है किस व्यक्ति के पास कितनी एसयूबी है और किस व्यक्ति के पास कितने असले हैं? जब आप एक नारा देते हो हमको ही लगता है कि एक सोची समझी राजनीति रही है पहले एक नारा दिया गया था कि हम दो हमारे दो जो केवल कुछ लोगों पर लागू हुआ फिर आपने नारा दिया हम एक हमारा एक अब आप ये कह रहे हो कि जाति के आधार पर हमको हिस्सेदारी चाहिए आपने एक विशेष समूह को अपनी आबादी बढ़ाने का मौका दिया जब हमारी आबादी कम हो गई तब आप ये दूसरा यह है कि अब हमारी मांग केवल यह है जो समाज जितना टैक्स दे उतना हिस्सा उस पर खर्च हो टैक्स अब हम ये सुनने को तैयार नहीं है कि टैक्स हम भरें और हमारे टैक्स पे दूसरे पले हैं। और फिर हमको गाली भी दें हम जितना टैक्स जो समाज दे उस पर उतना खर्च करिए इसमें अब कहां दिक्कत आएगी जब सब जगह हिस्सेदारी की बात हो रही है तो इसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं होगी अगर कोई समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है कोई व्यक्ति सेक्रेटरी हो सकता है कोई व्यक्ति कलेक्टर हो सकता है तो फिर किस बात का पिछड़ापन हम तो उस कम्युनिटी से आते हैं जिसमें पढ़ाई के लिए हम एक टाइम का खाना नहीं खाते थे कि बच्चे की शिक्षा है और आप कहते हो कि हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला आज सरकार ने उनको सब चीज पढ़ने से लेकर एडमिशन तक सब जगह आरक्षण दिया है आर्थिक सहयोग दे रही है तो कब आप पढ़ोगे और कब तक आप बैसाखियों के सहारे चलोगे इस पर एक गहन रूप से चर्चा होनी चाहिए अब मान लीजिए वो तैयार नहीं है तो जो समाज जितना टैक्स दे उस पर उतना खर्च करेंगे अन्यथा अभी जो सर्वे आए हैं जिसमें एक बहुत बड़ी आबादी विदेशों में शिफ्ट हो रही है जिसमें 80 परसेंट सवर्ण है क्या हम इस बात को इग्नोर कर सकते हैं अमेरिका या जो विभिन्न कंट्री है वो आज सर्वशक्तिमान इसलिए हुए हैं उसने हमारे देश की प्रतिभाओं को सम्मान दिया है जो देश अपने देश अपने को सम्मान नहीं देगा वो देश बर्बाद हो जाएगा ये बहुत ही मैं स्पष्ट कह रहा हूँ थैंक यू वेरी मच साहब मेरा विचार है कि जैसे नायडू जी ने सजेस्ट किया था कि स्किल होना चाहिए ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार ही है तो सर मेरा ये कहना यह है कि विचार तो हम लोग अपने क्रांतिकारी करते रहे मैंने तो ये भी कहा कि जो हमारे मुस्लिम साथी या नेता अपोजिशन के कश्मीर के नेता जो धमका रहे हैं ना कि हम तीन हटा देंगे या बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे बक्स वोड वाला कानून लागू हुआ तो गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए स्ट्राइक्स वगैरह और ई वोटिंग मोड में आके जो जो मेजॉरिटी डिसीजन ले उसको देखें तो और वही तरीका होना चाहिए जो मैंने कास्ट सेंसस के लिए कहा कि आप अपने आधार कार्ड से लॉगिन करिए अपना मत बत, मत बताइए कि आप चाहते क्या हैं किसान आंदोलन के लिए वक्स वोड के लिए और कोटा के लिए क्रीमी लेयर के लिए ये ये जो हमारे मोदी जी या सरकार जो खुद ही झेलते रहते हैं और और खुले दिल से आ, सोचते हैं कि ये बाईपास कर देंगे या अपनी ताकत से अपनी ताकत वगैरह कुछ नहीं होती मेरा कहना है कि पार्लियामेंट में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने रहे जहाँ भी विवाद हो उसको ई वोटिंग मोड में डाल दें और जिस तरह कास्ट के लिए मैंने कहा उसी तरह से सभी डिसीजंस में डिसीजन मेकिंग करवाएं आधार कार्ड के माध्यम से शांति भी रहेगी स्ट्राइक भी नहीं होगी ये जो धमकी है ना कि हम बांग्लादेश बना देंगे ये खत्म हो जाएगी तो ओवर टू तो डॉक्टर कर्णवाल आप चले गए थे बीच में हम लोग सॉरी फॉर जी ये आज कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कोई नहीं कोई नहीं, नहीं।, नहीं। मेरे ख्याल में आप जो बातें कर रहे थे ये इस समय कास्ट के ऊपर में बात कर रहे थे कास्ट सिस्टम या कास्ट सेंसस के, के, के बारे में बात कर रहे थे और ऑनलाइन कास्ट तो... सेंसस के बारे में बात कर रहे थे हमारा कहना यही था कि सर कि आप एक पोर्टल बना दीजिए आधार कार्ड से लॉगिन करिए ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो मत देना है मत दीजिए अपनी तनख्वाह बताइए एम्प्लॉयमेंट बताइए अपने जो भी कांट एड्रेस दीजिए पैन नंबर बताइए जिससे कि वेरीफाई हो सके अगर डाटा टूटी पूर्ण पाया जाएगा तो इट विल बी ए पनिशेबल ऑफेंस कोई बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे आपके वोटिंग आई right जब्त कर ली जाएंगे अगर आप स्ट्राइक में भागीदार होंगे तब भी आपका वोटिंग आई right जब्त हो जाएगा इसके बारे में सर अपने विचार दीजिए मेरा दूसरा बात है ये जो कास्ट सिस्टम है इस ये बहुत ही डेंजरस गेम है जो कि टूल किट का एक हिस्सा है जिससे कि हमारे हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए ये इन्होंने जो पासा फेंका है इसीलिए मेरे हिसाब से ये कास्ट सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए और जिन्होंने भी ये टूल किट का मुद्दा उठाया है ये जो मुद्दा उठाया है इसको उस टूल किट को जैसे कहते हैं ना कि सांप का फन उचल देना चाहिए यही मेरा वो विचार है और कास्ट सिस्टम को निकाल के हटा के हमें सिर्फ एक वीकर सेक्शन का एक वो रखना चाहिए और उसके लिए एक डेफिनेट लिमिट सेटल का मतलब एक रख दी जाए तो जो भी उससे नीचे हैं उनके लिए रिजर्वेशन बना दें क्योंकि जब तक ये कास्ट सिस्टम जो है ये देश को बर्बाद कर देगा जैसे आपने कहा था कि जो पहला हमारा टॉपिक था कि देश जाए भीड़ भाड़ में हैं हमें तो सत्ता से मोह है तो सिर्फ उसी के उसमें ये किया जा रहा है तो जब तक ये हमारी जो इटालियन फैमिली है इसको जड़ से उठा के नहीं फेंका जाएगा बाहर तब तक इसका कोई वो नहीं इलाज नहीं है अब आपको पता ही है कि जो हमारा गहरा राज्य है उन्होंने दो लोगों को प्रोपोगेट किया था हमारे देश को भिन्न भिन्न करने के लिए उसमें एक हमारे दिल्ली के नकवर लाल हैं और एक ही जो पप्पू द ग्रेट हैं। एक को तो निपटा दिया गया है बस ये दूसरे को भी निपटा दिया जाए और वही तरीका है मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होगा कि शायद जो है जो कि मोदी जी की जो इस चुनाव में थोड़ी सी पोजीशन कमजोर हुई है और इसीलिए जो गहरा राज्य है और इनके बीच में जो एक समझौता हुआ है वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया गया कि हो सकता है कि एक ये कॉम्प्रोमाइज भी हो रखी गई हो कि आप ये जो इनके दो यहाँ पे जो प्रॉक्सीज़ हैं इनको हाथ नहीं लगाएंगे तो हो सकता है जहां तक मुझे लगता है कि सुब्रमानियम स्वामी और जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं शोएब चौधरी के थ्रू इन्हीं को जो डेटा फीड किया जा रहा है हमारे रॉ की तरफ से या हमारे देश की तरफ से या कहा से किया जा रहा है ये तो हमें पता नहीं है तो इन दोनों की जो काठ निकाली गई है और यही शायद आगे जाकर इस जो षड्यंत्र को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा थैंक यू क्योंकि अगर हम अगर ये जो है ना कास्ट सिस्टम के चक्कर में पड़ जाएंगे तो देन वी आर प्लेइंग इन टू देर व्हाई वाई शुड बी टॉक अबाउट द कास्ट सिस्टम वाई शुड बी से ठीक है हमें कास्ट सिस्टम से कोई मतलब नहीं है हमें तो बस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चाहिए बस आप जो भी लोअर कास्ट के होंगे ऑटोमेटिकली उनकी भी ईडब्ल्यू से नीचे ही होंगे उसमें क्रीमी लेयर निकल जाएगी ऑटोमेटिकली तो जितने भी हैं ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो उनसे बोला जाए कि भाई आप अपना ऑथराइज दिखाइए हमें ऑथेंटिक वो दिखाइए कि आपकी पर एनम इनकम कितनी है आप आठ लाख से आते ज्यादा हैं या कम हैं जैसे कि आजकल की लिमिट है तो उसी से वो अपना आ जाएंगे सबके सब चाहे सब। वो ओबीसी हो एसटी हो या एससी हो जो भी हैं और जहां तक आ, सवाल है मेजोरिटी और माइनॉरिटी की अब कोई माइनॉरिटी नहीं रह गई है वो माइनॉरिटी है ही नहीं क्योंकि वो तो मेजोरिटी में आ गए हैं वो माइनॉरिटी के जो डेफिनेशन से बाहर निकल चुके हैं वो वो माइनॉरिटी नहीं रही एक खास वर्ग की जो हम बात कर रहे हैं तो ये मेरा जो विचार है थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब